नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के संक में बात करेंगे ग्रामीण परिवेश से निकलकर नैनो विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली भारतीय महिला वैज्ञानिक की। बताएंगे क्या है कृषि तकनीक के तौर पर स्टार्टअप द्वारा विकसित स्मार्टफोन अनुप्रयोग। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। विद्युत ट्रांसमिशन लॉस को कम करेगा नवीन शोध। कार्बन नैनोट्यूब पर किए गए करनाल जिले की प्राध्यापिका के अध्ययन को मिली अंतरराष्ट्रीय मान्यता। प्रतिभा और परिश्रम को अनदेखा नहीं किया जा सकता, यही साबित किया है करनाल जिले में रहने वाली भौतिकी की प्राध्यापिका डॉक्टर दीपा शर्मा ने। उनके द्वारा कार्बन नैनोट्यूब डायमर के रामन स्पेक्ट्रा पर किए गए अध्ययन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई है। उनका यह सैद्धांतिक शोध हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। ग्रामीण परिवेश से अंतरराष्ट्रीय पहचान तक इस महिला वैज्ञानिक का यह सफर भारतीय शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा बन गया है। एक रिपोर्ट। हरियाणा के करनाल जिले का शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय मटक माजरी कस्बे का यह महाविद्यालय अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जा रहा है और इसका श्रेय जाता है यहाँ की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर दीपा शर्मा को। डॉक्टर दीपा शर्मा ने कार्बन नैनोट्यूब डाइमर के रामन स्पेक्ट्रा का अध्ययन कर उनके आणविक कंपन से जुड़े रहस्यों को उजागर किया है। उनका ये सैद्धांतिक शोध नैनो विज्ञान के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय योगदान माना जा रहा है। इस शोध को जर्मनी से प्रकाशित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका स्पेक्ट्रोकेमिका एक्टा ए सहित कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं ने आधिकारिक मान्यता देते हुए प्रकाशित किया है। मेरा जो सैद्धांतिक शोध है वो सारा कार्बन नैनोट्यूब्स के ऊपर रहा है। दैट हैज बीन माय रिसर्च ऑब्जेक्ट। कार्बन नैनोट्यूब्स की अलग अलग जो गुण हैं, भौतिक गुण, उनके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को मैंने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू शोध किया है। विभिन्न गणनाएं हमने उस पर की हैं, उनके वर्णक्रम की गणना की है। ग्रामीण परिवेश से उभरी इस महिला वैज्ञानिक ने शिक्षण कार्य के साथ साथ अपना शोध कार्य भी जारी रखा। उनके इस प्रयास में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कुरुक्षेत्र की वरिष्ठ प्रोफेसर नीना जग्गी ने उनका मार्गदर्शन किया। इवन एक छोटे से कॉलेज में, रूरल कॉलेज में रहते हुए प्राध्यापक के रूप में भी उन्होंने इसको आगे चला पढ़ाया और इसके लिए वो एक बहुत बधाई की पात्र हैं। और मेरा काम में जो उनको एक गाइड के रूप में मैंने उन्हें दिया, मुझे भी खुशी है कि मेरे भी उन्होंने उसको आगे चलाया। डॉक्टर शर्मा ने अपने शोध में सिद्ध किया है कि अगर कार्बन नैनो ट्यूब्स को सुपर कंडक्टिंग पदार्थों के समीप लाया जाता है तो उनमें भी सुपर कंडक्टिंग गुण पैदा हो जाते हैं। इन अध्ययनों की गणना आसान नहीं थी। डॉक्टर शर्मा ने जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के प्रोफेसर स्वप्नपति और अमेरिका की लॉरेंस बर्कले नेशनल लैब की वैज्ञानिक स्वास्तिका बनर्जी का सहयोग लिया। इन संस्थानों के सुपर कंप्यूटर्स द्वारा शोध की गणनाएं की गईं। खास खोज जो है वो ये है कि सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब जो है उसके आसपास अगर एक सुपर कंडक्टर को लेके आया जाता है तो सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब के अंदर भी सुपर कंडक्टिंग गुण जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। और ये खोज एक महत्वपूर्ण खोज हो सकती है क्योंकि इसका उपयोग करके आने वाले समय में ऊर्जा की काफ़ी बचत की जा सकती है अगर इस रिसर्च को आगे बढ़ाया जाए। ये एक आधारभूत शोध है जिसके सिद्धांतों का प्रयोग कर वैज्ञानिक नवीन अनुप्रयोग कर सकते हैं। इस शोध द्वारा भविष्य में विद्युत ट्रांसमिशन लॉस को कम से कम करने की दिशा में एक नई राह खुली है।
साथ ही इस तकनीक से कार्बन नैनो ट्यूब्स डिजाइनिंग में अन्य अणुओं का उपयोग कर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक व ऑप्टिकल उपकरणों की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। डॉक्टर शर्मा की इस उपलब्धि को देखते हुए उन्हें यूनेस्को द्वारा स्पेन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऑप्टिक्स फोटोनिक्स और लेजर सम्मेलन 2020 में मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया था। जापान के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक कात्सुनोरी वाकाबायाशी ने भी उनके साथ संयुक्त शोध की इच्छा जाहिर की है। डॉक्टर दीपा शर्मा इस समय कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में आगे का शोध कार्य कर रही हैं। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में इतना ही। कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक और सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasad.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।